फ्रेंड्स फिर से वेलकम है हमारे चैनल पे। तो कुछ दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिक्कत था इसलिए बना नहीं पाया। तो आज के जो वीडियो बना रहा हूँ मैं टोटली बना रहा हूँ मैक्रो के ऊपर, ठीक है। मैक्रो में आप लोग देख सकते होंगे, आप लोग बार बार आपकी नज़रों में आएगा कि बहुत बहुत सारा ऑप्शन होता है, लेकिन आपको पता नहीं किससे क्या होता है। सब ऑप्शन का दो तीन या चार पाँच का ही आप लोगों को पता होता है। तो मैं आज आपको मैक्रो का एक एक की का जो ऑप्शन है उसका फुल डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं माउस शो का ऑप्शन मैं ऑन कर लेता हूँ, देख लीजिए किधर से ऑन करते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों को माउस दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन लेते हैं हम, तो चलिए अभी चलते हैं मैक्रो मैक्रो पे, ठीक है। एडवांस और इधर आ गया मैक्रो, तो इधर हम कोई सा भी मनी यू डाला, ठीक है। अब देखिए इधर सबसे पहले क्लिक का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इधर आप जो भी जिसका भी देखिए, इधर जो मैं माउस जो हिला रहा हूँ इधर देखिए, इधर देखिए एक्स एंड वाई पोजिशन दिख रहा है। तो इधर जिसका भी पोजिशन आप टाइप करोगे जिधर पे जाके वही वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, माने इधर फायर बैठक के ले ले आया। देखिए उधर पोजीशन क्या दिखा रहा है, देखिए इधर 912 और 458, ठीक है, 458 दिखा रहा है। तो इसको मैं इधर मारा, ठीक है, फिर इधर इसका टच ले लिया, ठीक है। और इधर मैं AWM का बना के दिखा रहा हूँ आपको, और दूसरा आपको डीले को, इसको तो सबका ही पता है डीले का, मानिए डीले 40 दे दिया, ठीक है। फिर से मैं मानिए इधर वेपन स्विच का जो टच ऑप्शन है इधर दे दिया, ठीक है। इधर इसका पोजीशन देखते हैं हम क्या है, देख लिए हम, ठीक है, इधर 790122, ठीक है। तो ये हो गया, इससे हो गया AWM का मैक्रो हो गया, ठीक है। आप मेरे उंगली पर देखिए, देखिए मैं वन उंगली से बस अब यू दबाऊंगा, ठीक है। देखिए देखिए मैं और कोई बटन नहीं दबा रहा, देखिए देखिए मैं जितने बार यू दबाऊंगा, देखिए देखिए आप माउस से ऐसे एम कर सकते हैं, इधर उधर ऐसे मार सकते हैं, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ मैं, देखिए तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये नॉर्मल मैक्रो है, ठीक है। अभी हम और दूसरे मैक्रो के बटन पे जाते हैं, तो इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इधर और दूसरे कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज के बारे में हम बताएंगे। तो अभी हम दिखाएंगे, देखिए आप ए स्विप का टीगर की मैपिंग इसका फ्री फायर में यूज़ नहीं होता, तो इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस ये दिखा रहा हूँ फ्री फायर में जो जो काम आता है, ठीक है। तो शूटिंग मोड इन आउट करने के लिए काम आता है, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको ले लिया। देखिए इधर पे मैं लूप दे दिया, इधर लूप है, ठीक है, लूप मानिए 5 दे दिया, 5, ठीक है। और इधर लूप एंड कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अभी मैं फायर बटन का विजिबिलिटी मैं पूरा बढ़ा देता हूँ ताकि आप देख पाए। तो देखिए इससे क्या होगा, देखिए मैंने यू को एक बार दबाऊंगा, देखिए देखिए इधर रनिंग 5 बार प्रेस हुआ, ठीक है। और अगर मैं इसको दबा के रख दूँ, देखिए देखिए बार बार इधर 5 बार का जो 5 टैब है वो कंटिन्यू 5 टैब होगा, और एक बार दबाएगा ओनली 5 टैब। अगर दबा के रखा ये जो 5 टैब है, अगर दबा के रखा है कंटिन्यू होता ही रहेगा, होता ही रहेगा,
आप माउस से ना इसको ऐसे एम ही कर सकते हैं बिना अटैचमेंट के, ठीक है। और दूसरा इसको आप लूट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मानी इधर बैठने का मानी मेरा इधर है, ठीक है, 883554, 883554, ठीक है। और इधर मैं लूप लूप को वन कर देता हूँ, ठीक है, वन। तो देखिए इससे आप क्या होगा, मैं यू को एक बार दबाया, देखिए देखिए एक बार मैं दबा रहा हूँ बैठ के उठ रहा है, ठीक है। और अगर पूरा दबा के रखा, देखिए कैसे उठक बैठक कर रहा है, देखिए मैं और कोई बटन नहीं दबाया, ठीक, यू देखिए। तो इसका काम यही है, लूप का काम, ठीक है। इधर इसका जो पॉइंटर सेट करोगे, जितने एक बार सेट करोगे उतनी बार वो रिपीट होगा बार बार, ठीक है। और इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे कभी पहले जंप में मैं यूज़ करता था, मान ली किसी पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, बार बार पेस दबाना पड़ता था, मैं पेस दबाता नहीं, बार बार बस एक बार दबा के रख दिया, बार बार वो जंप करता रहता था, ऐसे मैंने सेट किया था ये वाला बटन, ठीक है। इसको हम काटते हैं, इसमें ड्रैग कैसे होता है, देखिए स्वीप ऑप्शन है, ठीक है, इससे ड्रैग होता है। मानिए मेरा पॉइंटर इधर कितना होता है, देखिए 293392, ठीक है, 293392, ठीक है। तो इधर से हम क्या करते हैं, चलो 100 तक कर देता हूँ मैं। इधर मैंने क्या करूँगा, इधर भी 293 रखूँगा, इसको मैं 100 कर दूँगा, ठीक है। तो इधर से इधर तक ये ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं दिखाता हूँ अभी, देखिए मैं एक बार दबा रहा हूँ, यूँ देखिए ड्रैग हो रहा है, ठीक है, इधर ड्रैग हो रहा है। तो आप क्या सोचोगे, भाई इससे क्या ड्रैग शॉट लगा सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसका पोजीशन को इस तरफ कर दूं, ठीक है, मैं पूरा कट कर रहा हूँ इधर, एट सेवन एट थ्री एट फोर, ठीक है, यानी इधर तक ड्रैग किया, ठीक है, इधर मैंने सेव किया, देखिए अभी मैं यू दबाऊंगा, देखिए कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक बार अगर माउस लॉक हो गया तो राइट साइड पे स्वीप काम नहीं करता, ठीक है। अगर मैं अनलॉक करके दबाऊँ, देखिए अब काम होगा, देखिए अब काम हो रहा है, देखिए अब काम हो रहा है अब, ठीक है। लेकिन वैसे ही माउस को अगर मैंने लॉक कर दिया, अभी देखिए काम नहीं करेगा, ठीक है, अनलॉक करते ही काम करेगा। तो इससे डार्क शॉट नहीं लग सकता, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इधर पहले आपको, देखिए इधर से एग्जिट शूट मोड करना पड़ेगा, एग्जिट शूट मोड, ठीक है, और फिर इधर पे थोड़ा सा डिले देना पड़ेगा, 10 तक काफ़ी है, फिर आपको एंटर शूटिंग मोड पे देना पड़ेगा, ठीक है, ये एक्टिव शूट मोड, और इसके बीच में भी आपको डिले देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए जैसे मैं यू दबाऊंगा, ऐ देखिए ड्रैग हो रहा है, क्योंकि इसका अनलॉक होकर फिर से लॉक हो रहा है, ठीक है। आप इसको ड्रैग को और बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, मानिए आप इधर से पूरा ड्रैग कर सकते हैं, इधर से, तो इधर क्या इसका जो पोजीशन है, देखिए 646579, और इधर अगर मैंने पूरा ओपन कर दिया 37 आ रहा है, ठीक है, 646 37, ठीक है। तो आप देखिए कैसा ड्रैग हुआ, देखिए 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 मैं यू दबा रहा हूँ, देखिए देखिए इससे यूज़ कर सकते हैं आपकी इच्छा हुआ तो देखिए मैं बस एक बार यू दबा रहा हूँ, कैसे ड्रैग हो रहा है, देखिए मानिए मैं फायर कर रहा है, देखिए ओ भाई ये देखिए क्या ड्रैग हो रहा है भाई। तो ये रहा, ठीक है, तो ड्रैग का भी मैंने दिखा दिया, ड्रैग का मैक्रो भी दिखा दिया, वैसे काम का नहीं है ये भी दिखा दिया। तो अभी हम
दूसरे चीज के बारे में बताएं, जो कि है देखिए बटन प्रेस का ये जो ऑप्शन है इसका, इसको बारे में हम दिखाएंगे। तो इधर मैंने बटन प्रेस का दे दिया, इधर थोड़ा सा डिले, इधर बटन रिलीज, एक्टिव शूट मोड। तो देखिए मैं जब तक यू दबा के रखता हूँ, देखिए माउस निकला हुआ, जैसे छोड़ दूंगा चले जाएगा, ठीक है। देखिए तो इससे आप एक्स बटन सेट कर सकते हैं वो ब्लू स्टार की तरह, ठीक है। देखो मैं दबा के रखा, निकला हुआ है, मैंने जैसे ही छोड़ दिया चला जाएगा, ठीक है। और इसको आप दूसरे चीज़ पे भी यूज़ करते हो, जैसे मैप को खोलने में, ठीक है। तो उसको आप कैसे कर सकते हो मैं दिखा देता हूँ। इसको हटा दिया, तो इधर आप POUC टच मैप का जो पोजीशन है आप देख सकते हो, 97 71, ठीक है। फिर से आप मेरे को देखना पड़ेगा, हाँ इधर से बैक होता है। तो उसके बाद इधर का ये पोजीशन देना पड़ेगा, 948 563। तो इससे क्या होगा, यू दबाया मैप खुल गया, छोड़ने के बाद प्रेस नहीं हो रहा, शायद कोई दिक्कत कर दिया पोजीशन में, कोई बात नहीं, फिर पोजीशन देखना पड़ेगा, शायद गलती कर दिया, इसको शायद आगे देना पड़ेगा। ओ टच ही मैंने नहीं दिया भाई, देखिए यू दबा के रखा, मैप जिधर चाहे आप मार्क कर सकते, यू छोड़ दिया मैप चला गया। तो इससे आप मैप का भी जो की मैपिंग कर सकते हैं कि चल इसको एम, मेरा भी मैप का की मैपिंग सेट नहीं है, तो इसको मैं एम कर देता हूँ। इधर ये वाला फालतू है, डिफॉल्ट में फालतू आता है, मैं इसको मैंने परमानेंट सेट कर दिया, चलो। तो ये हो गया इसका मैक्रो। आप दूसरा क्या होता है, ये तक तो हो गया इनपुट टेस्ट का, तो इधर काम नहीं, लूप भी दिखा दिया आपको, ठीक है। और माउस मूविंग क्या है, ठीक है, ये माउस का जो पोजीशन है ये वो चेंज करता है, ठीक है। देखिए इधर जिधर भी इसका पोजीशन सेट करोगे, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, जिधर भी माउस जाए इधर पे चला जाएगा। देखिए 914 351, ठीक है। देखिए इधर चलाया, देखिए मैं यू मार रहा हूँ, देखिए जिधर भी रहेगा इधर चला आएगा, जिधर भी पोजीशन सेट करो इधर चला आएगा माउस का पोजीशन, ठीक है। देखिए तो ये हो गया इसका डिटेल। वैसे इस ये फ्री फायर में कौन सा काम में आएगा पता नहीं। तो वर्चुअल की मूविंग भी वैसे लगभग सेम ही है, ये बटन प्रेस तो इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो इधर मैंने सारा दिखा दिया, जो फ्री फायर में जो जो काम आएगा आप लोगों को दिखा दिया की मैपिंग, ठीक है। तो अभी मैं इसको काट देता हूँ, कैंसिल। तो अभी इधर पे कुछ बटन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए राइट क्लिक, तो ये जो इधर पे राइट क्लिक से जूम होता है, आप चाहे तो इससे भी सेट कर सकते हैं, हाँ ये भी एक ही काम करता है, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको काट दूँ, ये कंट्रोल का मेरा आ गया, सॉरी मैं इधर कर देता हूँ। देखिए इसको काट दिया, मैं ये रख दिया, मैं सॉरी 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 सॉरी। तो देखिए मैं राइट क्लिक दबा रहा हूँ, जूम हो रहा है, आप माउस का साउंड सुन पाएंगे। तो ये इसका काम भी है राइट क्लिक करना, ठीक है, इसका काम भी है राइट क्लिक का ही एक सेम ही काम है, आप इधर जो चाहे सेट कर सकते हैं, ये भी सेट कर सकते हैं। और रिपीट टच, ठीक है, और ये जो है बार बार टच रिपीट होता है, ठीक है, ये अलग सी कोई चीज़ नहीं है। मानिए इधर जंप मेरा इधर है,
इधर दे दिया, फिर मानी ओपन स्विच पे दे दिया। देखिए इधर 5 टाइम रिपीट का सेट हुआ है, ठीक है। इधर यू दे दिया तो इधर देखिए इधर मानने से, ओ मेरा तो गान दूसरा नहीं लिया हुआ है, मैं ले लेता हूँ कोई सा भी गाना दिया। तो देखिए इधर मैंने यू दबाया, देखिए मैं दबा के रखे हूँ, देखिए बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है। और ये जो 5 टाइम है इसको मैं अगर एक कर दूँ तो और भी क्विक होगा ये। नहीं, एक से थोड़ा स्लो हो रहा है, 2 रखना पड़ेगा। नहीं, आपको शायद 5 ही रखना पड़ेगा। मैंने वैसे मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ये, शायद इसका रिपीट 5 ही रखना पड़ेगा। ठीक है टच ना, वैसे ये कोई काम का नहीं, इससे ज़्यादा तो बढ़िया है आप मैक्रो से ही रिपीट टच करें, जैसा मैंने दिखाया जंप का, बै उठक बैठक करने का बार बार दिखा, भाई सही है ये, वैसे काम का नहीं है। तो अभी हम कुछ और चीज़ दिखाएंगे, तो इधर तो सब कुछ और सही आपको पता है। और ये जो है ये सब गेम में काम नहीं आता, ये दूसरा एपेक्स लेजेंड या कुछ मोबाइल लेजेंड क्या गेम है ना उसमें काम आता है, मेरे को याद नहीं वो गेम का उसमें काम आता है। तो 3D व्यू इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी फ्री फायर में काम नहीं, इसका भी, इसका पबजी में काम है, इसका फ्री फायर में काम नहीं, ठीक है। और इधर दूसरे जो काम है उधर इसका है, कोराप्ट इसका काम है। तो इधर देखिए इधर इधर पहला क्रीपेस होगा इधर, दूसरा होगा इधर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आप जो सीटअप ग्लू वाल होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इससे, ठीक है। या फिर दूसरा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं आपका इच्छा हुआ। तो पहला टच इधर जाएगा, दूसरा टच इधर जाएगा फर्स्ट, ठीक है। मानिए मैंने पहला टच इधर दिया और दूसरा टच जंप पे दे दिया या किधर पे भी, चलो जंप पे दे देता हूँ, ठीक है। इधर मैंने यू दबा दिया, सेव कर दिया। अभी देखिए देखिए गन चेंज कर रहा है और जंप कर रहा है, ठीक है। देखिए तो इसका काम ही है, और ये दोनों जगह पे बहुत क्विक बहुत फास्ट पेस करता है दोनों जगह पे, ठीक है। अगर मैं इधर चला हूँ तो आपको दिखा पाऊँगा, और ठीक है मैं टच शो करना भूल गया। तो आप देखिए मैं अगर यू दबाया, देखिए ठीक है, देखिए ऊपर पहले टच हुआ, देखिए बार बार टच, देखिए मेरा टच, देखिए एक बार दबा दो। तो यही है इसका काम, ठीक है। तो और तो कोई की बचा नहीं, ठीक है। इधर जितना फ्री फायर में जो भी की काम आता है मैंने दिखा दिया, कैसे मैक्रो वगैरह सेट करता है वो भी दिखा दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी मैक्रो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो जो क्विक स्कोप का जो AWM का मैक्रो है वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्नाइपर ले लेता हूँ, 2 AWM ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, अटैचमेंट में ले लिया, तो अभी हम चले जाएंगे मैक्रो पे सीधा। तो इधर मैंने यू सेट किया, और ये तो पहले से ही है, इसको काट देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। इससे मैं मैक्रो दिखाता हूँ। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले करना पड़ता है फायर। इसका पोजीशन है 909, राइट साइड में देखिए पोजीशन सेट कर दिया। फिर थोड़ा सा डिले देंगे हम 5 सेकेंड, ठीक है। फिर हम इधर चले जाएंगे वेपन, सेकेंड वेपन पे पोजीशन है 892123, क्या पोजीशन है भाई, ठीक है। और इसको चेंज करते ही आप, हम डिले नहीं देंगे, इसका स्कोप ओपन का भी जो पोजीशन है हम एक साथ देंगे,
पोजीशन है 1015324, ठीक है। तो ये हो गया काम हमारा। तो अब यहाँ यू दबाएंगे, देखिए मैं बस माउस से एम कर रहा हूँ, इससे मार रहा हूँ, इतना क्विक हो रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए क्या खतरनाक। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, ठीक है। इसका डिले मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से मारने से ये मैं तो मिस चला जा सकता है। देखिए देखिए, ज़्यादा स्पीड से दबाने से मिस चला जा रहा है, क्योंकि इसका डिले इधर उधर, लेकिन आप लोग समझ गए कैसे क्या सेट कर सकते हैं हम, ठीक है। इससे देखिए एक बटन दबा है, मैं बस एम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, बस इतना सा ही दिखाना था मैक्रो के बारे में। तो आपको दिमाग लगा के सेट करना पड़ेगा, आप पर्सनल मैक्रो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं बस दिखा दिया कौन सा बट ऑप्शन से क्या होता है, किस किस चीज़ के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो बोलना, कमेंट करना, अच्छा नहीं लगा तो भी बोलना, ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।